हेलो एवरीवन, दिस इज़ मिलिन क्वात्रा फ्रॉम लुधियाना पंजाब। दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और मैं अपने बेड पे ही हूँ रजाई में, क्योंकि ठंड बहुत है और मैं आलसी भी बहुत हूँ। एंड दिस इज़ माय 1+3T जो थोड़े दिनों पहले मुझे गिफ्ट किया गया है एक्चुअली। एंड महंगा फ़ोन है, फ़ोन भी बड़ा अच्छा, बट ठीक है, गिफ्ट में मिला तो चलता। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट द नूगेट वर्जन ऑफ द इंडियन ऑफिशियल अपडेट। पिछले 2-3 हफ्तों से नूगेट के अपडेट तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आ ही रहे हैं नूगेट के, बट इंडिया में अब आया है। तो काफ़ी इंडियन ने जुगाड़ करके डाले भी हैं बेटा वर्जन, या अपना कंट्री चेंज करके सेटिंग्स में जाके दूसरी कंट्री का अपडेट, बट सारों में बग्स थे काफ़ी ज़्यादा। मतलब मेरे फ्रेंड्स ने भी काफ़ी उन्होंने डाला और फिर सर्विस सेंटर जाके उन्होंने रिफ्रेश करवाया। अभी थोड़े दिन पहले मैं पहली वीडियो बना रहा था जब बिल्कुल अपडेट हुआ ही था, उसमें बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा था, क्योंकि व्हेन यू रीइंस्टॉल अ न्यू सॉफ्टवेयर और एंड्रॉइड अपडेट होता थोड़ा टाइम लगता उसको सेट होने में, बट नाउ इट्स ऑल ओके। मुझे पहले लग रहा था कि नहीं, कि इसमें प्रॉब्लम है फलाना ढमकाना जो भी, बट इट इज़ ऑल ओके एंड इट इज़ अ वेरी स्मूथ एक्सपीरियंस नाउ। सो लेट अस गो वन बाय वन। सॉरी फॉर द शेकी वीडियो, बट ऐसे ही है यार, सार लो यार। सो बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं है। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1+3T में और जो 3 में जो एंड्रॉयड आ रहा था उसमें फ़र्क था। जो 1+3 में ऑक्सीजन था और जो इसमें ऑक्सीजन था, उन दोनों में फ़र्क था। 1+3T के ऑक्सीजन वर्जन में पहले ही काफ़ी सारे ऑलरेडी अपडेट्स हो चुके थे। जैसे अब ये नोटिफिकेशन पैनल आप ऊपर देखोगे, ये 1+3 में नहीं था, बस 3T में ऑलरेडी ऐसा ही फीचर था। मतलब 3T में ऑलरेडी उन्होंने नूगट वाली स्किन डाली हुई थी, तो मेरे को उतने फ़र्क नहीं लगेगा। बट अगर 3 से कंपेयर करो तो बहुत सारे न्यू फीचर्स हैं। फिर भी जितना मुझे आइडिया, मैं बता देता हूँ जो मेन मेन चीज़ें, उस पर थोड़ी देर बाद जाते हैं। जैसे स्प्लिट स्क्रीन हो गया या नोटिफिकेशन पैनल हो गया। सो जैसे लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डायलर फर्स्ट। जो एंड्रॉयड का स्टॉक डायलर था या 1+3 का स्टॉक डायलर था, वो उसमें फीचर्स थोड़े कम थे। जब आप देखोगे अगर आप रीसेंट्स में जाओगे तो पूरे रीसेंट्स इकट्ठे ही नहीं खुलते, थोड़े से खुलते हैं, उसमें फिर नीचे आ जाता है कि क्या नाम है, और पूरे खोलने के लिए दोबारा क्लिक करो। दिस इज़ वेरी गुड फीचर जो मुझे अच्छा लगता था MIUI में। आई वॉज अ शाओमी यूज़र, तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग। नंबर टू, अब ये एरो हम प्रेस करते हैं तो इसमें सारे ऑप्शन आ जाते, किसी भी हम कॉल रजिस्टर में जाते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, साथ ही आ जाता है कि आप उसकी कॉन्टैक्ट खोलना चाहते हो, कॉल लॉग्स खोलना चाहते हो, उसको टेक्स्ट करना चाहते हो, किसी सिम 1 से कॉल करना चाहते हो, सिम 2 से कॉल करना चाहते हो। दिस इज़ वेरी गुड फीचर। नंबर टू, आप किसी को भी प्रेस करके रखो तो उसमें कॉपी करने का ऑप्शन आ जाता है। सो सपोज आई हैव टू सेंड माई कॉन्टैक्ट टू समवन, आई कैन प्रेस दैट थिंग, कॉपी टू क्लिप बोर्ड एंड देन पेस्ट इन दैट SMS एंड देन सेंड इट। इट्स वेरी ईजी। सो दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर जो अब डायलर में आ गया, कि कॉल लॉग आपको सारा इकट्ठी एक्सेसिबल मिल जाता है एक ही क्लिक में। एंड द सेकेंड थिंग इज़ एक नोटिफिकेशन पैनल, इसमें एक ही क्विक पैनल है। मतलब अगर आप नीचे खोलो तो ये लिस्ट पहले ही आ जाएगी, उसके बाद सेकेंड डाउन करने पर ये बाकी सारी आती है जो पिछले 1+3 में या 1+3 के पिछले वाले सॉफ्टवेयर में नहीं था। सो वी हैव दिस नाउ, और अब नूगट के साथ ये आ ही गया सबके पास। दिस इज़ वेरी गुड फीचर और बड़ा स्टाइलिश भी है। इसके कलर स्कीम भी थोड़ी इन्होंने बड़ी ब्लू सी रखी हुई है, तो दिस इज़ वेरी गुड। चलो मैं आपको पहले वो भी दिखा देता हूँ अबाउट फोन में जाके। ये भी इन्होंने ब्लू कलर के कर दिए हैं, पहले ब्लैक से ही थे। दिस इज एंड्रॉइड 7.0 नूगट। किधर गया तारा, इसे बिलीव होता कि मैं सच बोल रहा हूँ। व्हाटएवर। सो द नेक्स्ट फीचर दैट वी कैन टॉक अबाउट इज, एक सेकेंड, एक और बड़ी अच्छी छोटी सी बात है, बड़ी सही, मैं बताता हूँ आपको। ये बंद कैसे होता है? तो ये बहुत डेली फीचर है जो पहले नहीं था। सो इफ आई हैव टू सेंड एन SMS टू समवन, आई क्लिक ऑन द नंबर, अगर मैंने इनको कोई कॉन्टैक्ट भेजना अपना निकाल के, सो आई कैन प्रेस दिस एड बटन, प्रेस द कॉन्टैक्ट and then directly choose the contact from my options, like if I have to send this, done, and that just goes. Oh, tada, very easy. और ये daily चीज़ें हैं जो बहुत काम आती हैं, और ये पिछले Android में नहीं थी और MIUI में थी, and I'm really very happy कि अब इसमें ले आए हैं छोटी छोटी चीज़ें। ओके, लेट्स गो टू स्प्लिट स्क्रीन नाउ, जो बहुत कैंट है। लेट मी शो यू हाउ, जो मेन ऐप्स हैं वो स्प्लिट स्क्रीन सपोर्ट करते हैं अभी, जो पुटी सीधी ऐप्स हैं या थोड़ी रेयर हैं वो उतना नहीं करती। सो दिस इज यूट्यूब राइट नाउ, तो उसमें मैंने वीडियो प्ले कर दी।
टैक्सी ड्राइवर किधर है? ओ बाबू मुशाय, प्रेस दिस अप, पुट दिस ऑन स्प्लिट स्क्रीन एंड लेट दिस प्ले। चश्मा साफ कर और देख। अभी अपना चल रही है आराम से, मैं वॉल्यूम कम कर देता हूँ, नहीं तो आपका ध्यान उधर ही चला जाएगा। एंड नीचे मेरा होम लॉन्चर खुल गया, थोड़ी सी वॉल्यूम ले आता हूँ। एक खूबसूरत दो एवरेज। इफ आई प्रेस द होम बटन, सी द वीडियो इज प्लेइंग एट द बैक। एवरेज वाली की दो अंडर एवरेज। सो बेसिकली द थिंग इज, अब मैं रीसेंट खोलूंगा तो फिर से स्प्लिट स्क्रीन वाली ऑप्शन आ जाएगी। सो टेक्निकली दिस ऑल्सो हैपेंड, ये चीज भी, होम लॉन्चर भी सेकंड विंडो में ही खुल गया। तो मैं कोई भी ऐप खोलता हूँ, सपोज दिस इज व्हाट्सएप, तो उसमें ही खुलेगा, स्प्लिट स्क्रीन में ही खुलेगा। अभी होम बटन दबाया तो जस्ट अलाउज मी टू ओपन द अदर ऐप इन द स्प्लिट स्क्रीन, खुलेगी वो स्प्लिट में ही। जैसे फेसबुक खोली तो स्प्लिट में खुलेगी, यूट्यूब पीछे खुलता रहेगा साथ के साथ। सो दिस इज वेरी गुड, अगर ये तो उसको हॉरिजॉन्टल करें तो ऐसे हो जाते हैं दोनों, बट इज अगेन वेरी गुड, इट लुक्स वेरी सेक्सी। टारा, इट्स नेवर एंडिंग, इट जस्ट गोस ऑन एंड ऑन। तीन तीन को पता है इनके आपस में बंद किया। सो दिस इज द स्प्लिट स्क्रीन फीचर, प्ले स्टोर खुल गया। दिस लुक्स वेरी गुड। अब आगे थोड़े दिन, अभी एक्चुअली 5-10 मिनट पहले ही अपडेट आया, मतलब मैंने करा एक्चुअली आज सुबह का गया था, बाकी थोड़े दिनों तक पता चलेगा कि और क्या क्या फीचर्स एंड क्या क्या चीज़ें और, मतलब इसके क्या एक्चुअली गुड यूजेस हैं। अभी तो ये सिर्फ है कि कॉस्मेटिक टाइप से ही लग रहा है। और अगर बंद करना तो ऐसे इसको या तो बिल्कुल ऊपर बंद करना, ये यहाँ से बंद हो जाएंगे ऐसे करके, तो स्प्लिट स्क्रीन वाले इसको यहाँ से पकड़ेगा तो बिल्कुल ऊपर करके बंद करना पड़ेगा। एक सेकेंड, यहाँ पे आ गया, अभी ऐसे बंद हो जाएगी। द सेकेंड गुड थिंग इज द नोटिफिकेशन पैनल, मुझे SMS भेजने पड़ेंगे अपने आप को, होल्ड। आई एम नॉट अ lefty. दिस इज द नोटिफिकेशन पैनल, अगर कोई व्हाट्सएप भी करता हूँ तो ऐसे ही आ जाएगा, तो यहीं से रिप्लाई हो जाएगा। ओह, यहीं पर टाइप करना है ब्रो। अच्छा, तारीफ करनी थी ब्रो, यू आर ऑसम। चलो आई एम हैप्पी, एक फेसबुक की नोटिफिकेशन भी आ गई, लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स। आ मैन, फेसबुक नोटिफिकेशन में कुछ नहीं कर सकते आप, यू कैन जस्ट ओपन इट और डिलीट इट। टारा, बट ओवरऑल इट्स गुड यार, थोड़ा बड़ा मतलब स्मूथ सा हो गया है, बटरी टाइप सा, आई एम लाइकिंग इट। बाकी स्प्लिट स्क्रीन वॉज एन अमेजिंग फीचर ऑफ सैमसंग ऑल्सो, जब से नोट 2 निकाला तब से उन्होंने स्प्लिट स्क्रीन का फीचर दिया हुआ है, उसमें तो बहुत काम की चीज़ है लिटरली। अब आई डोंट नो कि इसमें कितनी एफिशिएंट है, क्योंकि उसमें तो लिटरली जितनी मर्जी स्क्रीन छोटी कर लो, बड़ी कर लो, यहाँ से सामान उठा के उधर कर लो, यहाँ भी सब होता होगा, बट लेट अस सी इन फ्यू डेज पता चलेगा क्या चल रहा है। बट एनी हाउ द फोन इज ऑसम, डैश चार्जिंग इज ऑसम, गेमिंग इज ऑसम, एवरीथिंग इज ऑसम, द स्क्रीन क्वालिटी इज ऑसम। मैं वैसे ज़्यादातर नाइट मोड पर रखता हूँ, बिकॉज अभी नाइट मोड पर ही एक्चुअली मेरा ध्यान नहीं था, बिकॉज वो स्टेन कम पड़ता है एंड बैटरी भी ठीक रहती, बैटरी का तो ध्यान नहीं बट स्टेन कम पड़ता है आंखों में। सो दिस इज़ OnePlus 3T इन फ्रंट ऑफ यू, द नूगट अपडेट, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड आई एम फोन फैन, एंड ये मेरा जेन्युइन एक्सपीरियंस था। लेट अस सी आने वाला टाइम में हाउ पीपल लाइक दिस नूगट इन इंडिया ऑन दिस OnePlus 3T। थैंक यू, बाय।